नमस्कार किसान साथियों, अपना कृषि समाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। किसान साथियों, मैं हूं कमल चौधरी और आज की जो वीडियो है वो है महिंद्रा ट्रैक्टर है 265 DI, उसके विषय में जानेंगे किस तरह का ट्रैक्टर है और किसान भाई से भी इस ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे कैसा इसका डीजल एवरेज रहा है और कैसा अनुभव उनका इस ट्रैक्टर के साथ में रहा है और कैसा मेंटेनेंस इस ट्रैक्टर का रहा है। साथियों, वैसे तो बहुत ही यह कंपनी का मतलब जाना माना मॉडल है, 265 डीजल एवरेज में भी अच्छा माना जाता है। और आज जो किसान भाई हैं वो गन्ना बो रहे हैं अपना, तो आप देख सकते हो। और गन्ने की भी स्थिति यह है कि 4 फाली का रेजर है और उस पर काफ़ी गन्ने का जो बीज है वो रेजर पे ही रखा हुआ है। और ये जो ट्रैक्टर है कौन सा मॉडल है और कब किसान भाई ने ख़रीदा था, तो किसान भाई से भी आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो राम राम भैया। तो भाई, सबसे पहले तो अपना जो है ना नाम परिचय बताओ आप। नाम भूपेंद्र कुमार, गांव कपसाई। अच्छा, जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर। अच्छा, तो भूपेंद्र भाई, अच्छा एक चीज़ बताओ, मतलब ये जो 265 ट्रैक्टर है आपका, ये मतलब कौन सा मॉडल है? ये 4 में खरीदा। अच्छा, 2004 मॉडल है। तो देख सकते हो किसान भाई, 2004 मॉडल है, लेकिन ट्रैक्टर की जो कंडीशन है आज भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो भूपेंद्र भाई, एक बात बताइए कि जैसे 2004 में ख़रीदा था तो इसमें मेंटेनेंस क्या क्या करवा दिया आपने अब तक? वैसे कोई नहीं, पंप लिया है, नहीं इंजन बना है, छोटे मोटे काम पे चलते रहते हैं। अच्छा, और टायर वगैरह? टायर सब चेंज करा दिए। हाँ, टायर चेंज करा दिए। अच्छा, मतलब चलाते किस किस चीज़ पे हो आप, मतलब इम्प्लीमेंट क्या क्या चीज़ यूज करते हो? जुताई पे चलता है, हैरो पे, टिलर पे, बुआई पे, एक रूटर को छोड़कर सारी सब काम करता है। सब काम करता है। अच्छा, अगर डीजल के एवरेज की बात करें तो मतलब डीजल कितना लेता है? डीजल तो सूंघ के चल रहा। हाँ जी हाँ, मतलब डीजल का एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो मेंटेनेंस भी कुछ ना हुआ है? नहीं जी। अच्छा, टायर वायर तो बदलवाए होंगे? टायर बदलवाए, टायर बदलवा दिया। ये दूसरी जोड़ी चल रहे हैं, ये भी खत्म हो लिए, क्योंकि किसान साथियों देखो 19 साल हो गए हैं ट्रैक्टर को और कंडीशन देखो आज भी बिल्कुल झुकी हुई बनी हुई है। और साथियों मैं बता दूँ, ये मात्र 30 HP का ट्रैक्टर है और 2048 CC का इसमें इंजन है और इसका जो इंजन है के जो रेटेड RPM है वो 1900 है और काफ़ी दमदार ट्रैक्टर ये अपनी श्रेणी में है और किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और आप देख सकते हो, देखो इसकी परफॉर्मेंस, गन्ने की बुआई कर रहा, 4 फाली का रेजर है और कम से कम इस पर ये 5 क्विंटल बीज जो गन्ने का इसी पर रख लेते हैं, आप देख सकते हो, और इसी पर ही रख के वो पीछे पीछे डालते चले जाते हैं, नई तकनीक से बो रहे हैं, मतलब ताकि समय कम खर्च हो और काम एक साथ जल्दी हो जाए। जो इसके पिछले टायर हैं वो 12/4/28 के हैं और कंडीशन भी बहुत बढ़िया ट्रैक्टर की बनी हुई है। तो चलवा के भी दिखाते हैं। तो साथियों, इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो मात्र 1200 kg की है और जो इसकी PTO HP है वो 25.5, मतलब 25.5 HP की PTO यह ट्रैक्टर निकालता है। 3 सिलेंडर का इसका इंजन है, इनलाइन पंप के साथ में आता है, आप देख सकते हो। इस पर भी देखिए आप, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस ट्रैक्टर के हैं किसान साथियों, और एक छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छा ट्रैक्टर है और काफ़ी इसकी रेसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है और अच्छा काम करने वाला ट्रैक्टर है। तो किसान साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।